फ्रेंड्स एजुअन लेन कासे से स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2021 में 2022 जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स है दोस्तों। ये ओल्ड पेपर है, ओल्ड यानी पहले जो हो चुका है, 2009 में हुआ था और 2013 में हुआ था, और साथ ही इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी है ना। तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है सारे वीडियो को, है ना। इसमें संग्रह है 50 से 100 क्वेश्चन का संग्रह है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं टाइम पास वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन गुरु की मात्रा प्रदान दी जाती है, कितने ग्राम दी जाती है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो इसके सही आंसर है 10 ग्राम। देखते जाइए, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद देखें, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो खट्टे फलों में स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। इसके बाद तीसरा पर चलते हैं, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो देखिए इसमें आपको उम्र को बताना है, सी ऑप्शन सही है, 45 वर्ष तक दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4, किस सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? तो ऑप्शन डी सही है, इसमें 18 जो है इनको दौरा करना पड़ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए, कितने किलोग्राम होना चाहिए? देखिए इसमें दिया हुआ है ना। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, प्रसव के उपरांत 5वें और 8वें महीने में माँ के स्तनों में इसका आंसर है देखिए डी, 830 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं, प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक स्तनों से जो अमृत तुल्य मादा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें ऑप्शन बी आएगा, विटामिन ए और विटामिन सी। क्वेश्चन 8, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 13 जनवरी 2005, 13 मार्च 2005, 13 जुलाई 2005, 13 सितंबर 2005। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, 13 सितंबर 2005 को। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं, शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान किया गया है? तो कितनी जनसंख्या होना चाहिए? 150 से 400 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0-1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है, 3% जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन 11 है, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 10 से 12 ग्राम होने चाहिए। याद करते चले जाएंगे, पढ़ते रहें, इसको बार बार रखते रहें, याद हो जाएगा आपसे। किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपये का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो बी होगा 1 अप्रैल 2000, इस डेट को अच्छे से याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2002 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिन लोग पहली बार मतलब एग्ज़ाम दिला रहे होंगे महिला पर्यवेक्षक का, जिनको आंगनबाड़ी से संबंधित बातें जो है नहीं मालूम होंगी, उनके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले से आंगनबाड़ी में कार्य करता है और वे लोग जो है महिला सुपरवाइजर के लिए डाले होंगे, उनको ये सारे चीज़ जो है पहले से मालूम रहता है ना, इसलिए उनको ज़्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोग पहली बार जो है एग्जामिनेशन दिला रहे हैं उनको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा स्वार्थक एसिड की गोलियाँ दी जाती है, दूध पिलाने वाली महिलाओं माताओं को आंगनबाड़ी द्वारा कैल्शियम गोली दी जाती है,
बूढ़ी औरतों को आयरन गोली दी जाती है, बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। डी ऑप्शन सही है, बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। क्वेश्चन 14 है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? किसका पंजीकरण करते हैं? विवाह का पंजीकरण करते हैं, ठीक है, याद रख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसे राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरा पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, 1 से 2 घंटे खोले जाने चाहिए, याद रख लेंगे। क्वेश्चन 16 है, 3 से 6 वर्ष की उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जानी चाहिए? तो याद रख लेंगे, ये ऑप्शन सी है ना, 150 ग्राम दी जानी चाहिए। देखिए मैं इसमें चार ऑप्शन है, चारों को नहीं बोल रहा क्योंकि इससे वीडियो की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है दोस्तों, आपको जल्दी जल्दी जो है तैयारी करना है ना, वीडियो को एक बार देखेंगे और पढ़ते चले जाएंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। क्वेश्चन 17 है, बाल आमिक प्रतिनिध एवं नियमन अधिनियम लागू कब किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 23 मार्च 1966 को लागू किया गया था, याद रख लेंगे डेट को। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता, बेरी बेरी, बंध्यता, इनमें से कौन सा है? सी बंध्यता होता है, याद रख लेंगे। मधुमेह किससे ठीक से काम न करने के कारण होता है? फेफड़े, अग्नाशय, बी अग्नाशय, ठीक है, याद रख लेंगे ऑप्शन को। दूध कमजोर स्रोत है आयरन का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन का, तो आयरन का। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन बी सही है, डिमेफेलिया, इसमें ऑप्शन ए जो है हट गया है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है थोड़ा। शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है? तपेदिक का टीका लगाया जाता है, याद रख लेंगे। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है? डी आएगा आलू, ठीक है। ऊतकों में जल व जमाव की निम्न में की कमी से होता है? ए आएगा विटामिन B1। इसके बाद क्वेश्चन 25 है, बाहर में लौह की कमी से होता है? बी रतौंधी। गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है, किसकी कमी हो जाती है? आयरन और कैल्शियम की। 17 है, 27 है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उत्तर में आएगा APJ अब्दुल कलाम आएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तर लिखा नहीं है, APJ अब्दुल कलाम, डी ऑप्शन सही है। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना? तो ऑप्शन बी आएगा, JRD टाटा। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आएगा, पश्चिम बंगाल। 13 क्वेश्चन है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सी आएगा परमवीर चक्र। जल में सर्वाधिक घुलनशील कौन सा है? डी ऑप्शन आएगा नमक। भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है लोहा, तांबा, सीसा, टीन, क्या आएगा? सीसा आएगा। निम्न का मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन 34 है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार, बुनाई, वाद्य यंत्र, खाद्य, तो पहला वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, ए। किसी उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा कथन सत्य होगा, यह प्रतिदिन की दर को बढ़ाने वाला कारक है या सक्रियण ऊर्जा को कम करने वाला पदार्थ है। कई क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए उस क्वेश्चन को हटा दिया हूँ मैं। 36 देखिए, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर देखिए रासायनिक परिवर्तन ये आएगा, लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल गैस तैयार किया जाता है किससे? श्वेत तप्त कोप पर जल वाष्प प्रवाहित करके, पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। इसके बाद 38 देखिए, किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य क्या है? जिसमें डी आएगा मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना,
ठीक है। इसके बाद 39 है, रक्त का थक्का बनाने हेतु अनिवार्य है डी लसीका। लसीका आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। क्वेश्चन 14 है, सार्वत्रिक रक्तदाता है डी ओ पॉजिटिव। जिनका होता है वो सार्वत्रिक रक्तदाता है, यानी वो जो है सर्वत्र यानी किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। क्वेश्चन 41 है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए बांत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ऑप्शन बी आएगा, 8 घंटा का समय लगता है। इसके बाद 42, बल्ब का तंतु बना होता है किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। बल्ब जो बल्ब लगा होता है ना जिससे लाइट जलती है, अंदर में छोटा सा पतला तार लगा होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। 43, सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान, तो 7 आएगा इसमें। निम्न में से किसके कारण लोहे में जंग लग जाता है ना, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक क्रिया। तो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया आएगा यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लेंगे आप, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। इसके बाद चालीस क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर आएगा ए इटली। 47 है, कौन सा कथन हैदर अली के संबंध में सत्य नहीं है। तो डी आएगा, वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। इसके बाद देखिए 48, भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले जाया गया था किसके द्वारा, सी नादिर शाह के द्वारा। क्वेश्चन 49 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी आएगा, 326 BC में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया था। बी सूरत, सूरत से स्टार्ट किया था, ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 से क्वेश्चन नंबर 100 तक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों, है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सॉल्व किया गया था, इसके बाद क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक जो है नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद बात करने के लिए।